तो ऊपर सुबोध है राइट साइड में, यहाँ पे रोहित है और वहाँ पे ऊपर उदात है। Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done on my drink at this pace. तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीसी डेज। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। और आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे हेसरगट्टा को। हेसरगट्टा रोड के पास हॉर्टिकल्चर है, तो हॉर्टिकल्चर का एक्चुअली हेड ऑफिस ही यहाँ पे है, मतलब एक रीजनल ऑफिस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे थे थोड़ा शूट करने के लिए। और मेरे पीछे बैठे हैं रोहित है, और मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं अभी। सप्तगिरी हॉस्पिटल के पास से हम लोगों को ज्वाइन करेंगे सागर, जिनका RC8 है, लेकिन वो आज RC8 नहीं लाया है, वो आज कार में आएंगे शायद, तो ऐसा वो बता रहे थे। पहले तो उनका आने का प्लान नहीं था, लेकिन अभी जस्ट फ़ोन किया था उन्होंने कि मैं भी आऊँगा। ओके अरे भाई क्विड के साथ बनी ब्रो। अच्छा यहाँ पे रिजर्व पुलिस खड़ी है, पता नहीं किस लिए है लेकिन है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक रेलवे स्टेशन है, एक स्टॉप देते हैं अगर पैसेंजर ट्रेन आते हैं तो यहाँ पे स्टॉप देते हैं, नहीं तो अगर किसी ट्रेन का क्रॉसिंग है तो यहाँ पे स्टॉप देते हैं। और ये बहुत ओपन जैसा रेलवे स्टेशन है, मतलब यही है ट्रैक, यहाँ से आराम से आ सकते बाहर। तो प्रॉबेबली COVID-19 का चेकिंग की वजह से वो लोग यहाँ पे खड़े होंगे कि अगर कोई ऐसे भाग के आ गया तो उनको चेक करके भेज दे, ऐसा मुझे लगता है, एक्चुअल में पता नहीं है अभी। आज सोचे कि कोई और लोकेशन को जाएंगे, मतलब कोई डिफरेंट वाला, तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया जो यहीं पे रहता है, विनय है उसका नाम, तो उसको इस तरफ का एरिया का सब कुछ पता है, तो उसको पूछा कहाँ पे फ़ोटोशूट सब कर सकते हैं करके। तो उसने बोला हॉर्टिकल्चर के एरिया में कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे थोड़े फार्म्स भी है। मैंने बोला हाँ ठीक है, देखते हैं, जहाँ पे वो ले जाएगा वहाँ पे थोड़ा राइड भी हो जाएगा अपना और शूट भी हो जाएगा। इस तरफ पहले बहुत खुला खुला था, लेकिन अभी बहुत अच्छे अच्छे ढाबा बनाए गए हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो जाएंगे हम लोगों को। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, सब जगह अभी जस्ट पार्सल ही है और सेफ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़े सामने एक पुलिस स्टेशन है, तो इसलिए हम लोगों को वहाँ पे धीरे से जाना पड़ेगा, क्योंकि कल ही एक बहुत बड़ा केस हो गया था बेंगलोर में जो टीवी पे सब आया था, तो
जितना हो सकेगा उतना धीरे से जाएंगे यहाँ पे। वैसे भी हम धीरे से ही जाते हैं। क्लच पकड़ लिया, टेंशन नहीं है भाई। ये देखो ये एक ढाबा है, एचपी ढाबा, यहाँ पे हम आया करते थे पहले। तो ये है मैरिज हॉल, तो यहाँ पे हम लोगों को अभी थोड़ी देर रुकना है। यहाँ पे अपना फ्रेंड आएगा, बाद में करेंगे शूट। तो यहाँ पे श्रीगिरी कन्वेंशनल हॉल, यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं क्योंकि यहाँ पे अपना फ्रेंड आएगा अभी और उसको लेके हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स अपने, रोहित, उदात, सुबोध, सागर भी आया है और भी आएंगे अभी शायद। तो यहाँ कहीं पे एक छोटा सा फ़ोटोशूट का लोकेशन है, छोटा सा एक ट्रैक है करके बोल रहे थे, छोटा है, प्रोबेबली बड़ा रहेगा। तो वहाँ पे जा रहे हैं। एक 390 है, एक R3 है और अपना एक ऑल्टो है, सागर का क्वेड और फ्रेंड का वेंटो। तो थोड़ा शूट करने के लिए जा रहे हैं हम लोग और मुझे भी पता नहीं है लोकेशन, तो मैं अपने फ्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ। गणपति प्रसन्न आंजनेय स्वामी सन्निधि, जय श्री राम। एक्चुअली जो ये रोड का एंड है, मतलब ऑलमोस्ट एंड है, हैसरघट्टा लोकेशन जो आता है, स्पेशली वहीं से पूरे बैंगलोर को पहले पानी का सप्लाई होता था, मतलब 1900s के टाइम में जब सर एम विश्वेश्वरैया थे। अभी भी माइग्रेशन में बहुत आगे है बैंगलोर, मतलब बहुत दूसरे स्टेट से भी यहाँ पे आते हैं जॉब्स के लिए, सेटल होने के लिए, मतलब जस्ट जॉब्स के लिए नहीं, सेटल होने के लिए भी आते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत सही है। तो यहाँ पे एक है, क्या है ये, फन स्टॉप। तो उसने सोचा हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं वहाँ पे हॉर्टिकल्चर के पास, लेकिन नहीं, अपना प्लान हमेशा चेंज। यहाँ पे अंदर मतलब सही, मैंने उसको तो बोल दिया कैसे आना है, लेकिन मैं भी मिस हो गया अभी। तो यहाँ पे एक लोकेशन है जो है गोकार्ड का लोकेशन। तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं भाई यहाँ पे। तो ऊपर सुबोध है राइट साइड में, यहाँ पे रोहित है और वहाँ पे ऊपर उदात है। ಬರಲಲ್ಲ
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ